टाइम है अभी 9:15 इन मॉर्निंग और मैं हूँ टोक्यो के बुलेट ट्रेन स्टेशन पे और मैं जा रहा हूँ यहाँ से ओशाका। अगली ट्रेन है 9:40 को और अभी मेरे पास सिर्फ 25 मिनट है, तो पहले मैं टिकट परचेज़ कर लेता हूँ। बुलेट ट्रेन की टिकट भी वेंडिंग मशीन से परचेज़ की जा सकती है, पर बेटर है कि काउंटर से टिकट परचेज़ करनी, क्योंकि वहाँ से ट्रेन के बारे में और सीट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। इसीलिए मैं काउंटर से टिकट परचेस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जापानीज़ में ही लिखी होती है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा ये लोग यूज़ करते नहीं हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ज़्यादा पूछने में ही बेटर है। ये देखिए, ये सब भी जापानीज़ में लिखा हुआ है। मैं ले रहा हूँ नोजोमी सुपर फास्ट का रिजर्व टिकट, जिसका अप्रॉक्स प्राइस है 9000 इंडियन रुपीज़, और वही अनरिजर्व टिकट जो होती है वो अप्रॉक्स 8800 रुपीज़ तक की मिलती है। This only one ticket? Thank you. ट्रेन नंबर है 219, कोच नंबर है 13 और सीट नंबर है 3E। डिपार्ट होगी 17 नंबर के प्लेटफॉर्म से 9:40 को। रिजर्व और अनरिजर्व कोच दोनों सेम ही होते हैं, सीट्स दोनों में सेम ही होती है, कुछ फ़र्क नहीं होता ज़्यादा, पर ये क्या रिजर्वेशन के चार्जेस यहाँ पे लगते हैं, वो भी बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, दोनों के बीच में कुछ 200-300 रुपये का ही फ़र्क हो रहता है, तो बेटर है अगर आप खर्च कर सकते हो तो फिर रिजर्व टिकट ही परचेस करें। ये 14 से 19 इस तरफ है, राइट साइड को 17 नंबर का प्लेटफॉर्म है, वहीं से डिपार्ट होगी निजोमी सुपर फास्ट। ये ट्रेन ऑलरेडी स्टेशन पर लग चुकी है और ये क्लीनिंग भी हो चुकी है, देखिए सब क्लीनिंग करके निकल रहे हैं। ये है निजोमी सुपर फास्ट, जो सिर्फ 3 ही स्टेशन में ओशाका से टोक्यो से ओशाका पहुँचा देगी, सिर्फ 3 स्टॉप में, जिसमें पहली रुकेगी शिंगावा, फिर नागोया, फिर क्योटो और फाइनल स्टॉप ओशाका। ये देखिए 219 940। टोक्यो और ओशाका के बीच में दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन ऑपरेट हुई थी, जापान ने ये रूट पे पहली बुलेट ट्रेन 1962 में ऑपरेट की थी, इसीलिए ये लाइन दुनिया की पहली फास्टेस्ट हाई स्पीड रेलवे लाइन है। ये जो टोक्यो और ओशाका के बीच में जो लाइन है वो है टोकाइडो सानियो लाइन, जिसमें टोटल मेन 3 टाइप की ट्रेन ऑपरेट होती है, जिसमें सबसे तेज़ी ये निजोमी सुपर फास्ट और दूसरी जो ट्रेन्स है वो है हिकारी और कोडामा, जो ज़्यादा स्टॉप लेती है, वो भी बुलेट ट्रेन नहीं है पर वो स्टॉप इससे ज़्यादा लेती है। सबसे तेज ट्रेन निजोमी सुपर फास्ट ही है। टोक्यो और ओशाका के बीच में टोटल डिस्टेंस है 515 किलोमीटर्स और ये निजोमी सुपर फास्ट इसे कवर करती है 2 आवर 30 मिनट्स में। निजोमी सुपर फास्ट की टॉप ऑपरेटिंग स्पीड 1 आवर में 300 किलोमीटर तक की है, जो इस रूट में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। ये रिजर्व कोच है,
देखिए अभी इधर से मैं जा रहा हूँ अपन रिजर्व कोच की तरफ, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही कोच है, सिर्फ रिजर्वेशन प्राइस का ही फ़र्क है। ये अनरिजर्व कोच है, सभी बुलेट ट्रेन में ऑनबोर्ड रिफ्रेशमेंट अवेलेबल है, पर ये चार्जेबल है, परचेस करना पड़ता है सब कुछ, कॉफ़ी स्नैक्स और सभी यहाँ पे इसमें से मिल जाता है। ये है स्मोकिंग जोन बुलेट ट्रेन का, ट्रेन में स्मोकिंग जोन दिए हुए ताकि जो स्मोक करने वाले वो लोग यहाँ पे आके स्मोक करें। अभी टाइम हुआ है 12:10 और ऑन टाइम अराइवल है ओसाका स्टेशन पे, एग्जैक्ट 515 किलोमीटर 2 hours 30 minutes में कवर हो चुके हैं। जापान की ट्रेन की यही खासियत है कि वो कभी लेट नहीं होती, टाइम टू टाइम ही शेड्यूल से ही चलती है, सभी ट्रेन एक के बाद एक टाइम से ही लगती है। ये बुलेट ट्रेन इतनी स्पीड से चलती है फिर भी एकदम साइलेंटली निकल जाती है। शिनोशा का स्टेशन पे अराइवल होने के बाद अब मुझे यहाँ से जाना है कारासुमा स्टेशन क्योटो में, क्योंकि वो तो स्टेशन से भी कारासुमा जा सकता था, पर मुझे यहाँ से ज़्यादा इजी पड़ रहा है, इसलिए मैं ओसाका तक आके वापस यहाँ से जाऊँगा क्योंकि कारासुमा स्टेशन वहीं पर मेरा हॉस्टल।